बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुसैन काजी नाम है मेरा। सेशन स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग ओरिएंटेशन, आप इसको ओरिएंटेशन सेशन भी कह सकते हैं, आप इसको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स इस सेशन का ड्यूरेशन है। बेस्ड ऑन माई 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं श्योर कर सकता हूं इस सेशन के एंड पे, सब्जेक्ट टू दिस कि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा सेशन देखें, तो आपको एक राइट डायरेक्शन, राइट रोड मैप मिल जाएगा, जिसकी बेसिस पे आप SBR को प्रिपेयर करेंगे और वो प्रिपरेशन आपको इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। बट कंडीशन ये है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा सेशन सुनना है, और डू रिमेंबर SBR की पूरी प्रिपरेशन पे, ओवरऑल सेशन पे एक रूल याद रखिएगा, आपने घबराना नहीं है और रुकना भी नहीं है। डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट स्टॉप, कीप मूविंग, दैट्स अ की रूल। सेशन को स्टार्ट करते हैं इस बेसिस पे। नंबर वन, ACC के अंदर सारे स्टूडेंट्स बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, और बिजनेस स्टूडेंट्स में बिजनेस स्टूडेंट्स जो स्टडीज करते हैं, बहुत सारी स्टडीज होती हैं, टैक्सेशन भी पढ़ते हैं, लॉ भी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम और आप यहां पर बैठे हुए अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जिस बिजनेस का पार्ट हैं एज एन अकाउंटेंट, वो ब्रिटिश एयरवेज का है, आप ब्रिटिश एयरवेज के अकाउंटेंट हैं, और अज्यूम करें ब्रिटिश एयरवेज ने एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है कि अपने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन सबको रेनोवेट किया, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो एज एन अकाउंटेंट हमारा रोल यह है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उनको राइट मेथडोलॉजी पे, अकाउंटिंग रूल्स पे रिकॉर्ड किया जाए और अकॉर्डिंग टू IAS और IFRS रिपोर्ट किया जाए, और ये सब आप पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ते हुए हैं, सेम कंटिन्यूशन पे एक स्टैंडर्ड आपने अप हो जाना है, जो लेवल होगा आपका स्ट्रेटेजिक लेवल, द बोर्ड लेवल, और इस सब्जेक्ट का नाम द सेम कंटिन्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। सो अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR। मेरा नाम हुसैन काजी है। अ ब्रीफ प्रोफाइल मैं आपसे शेयर करता हूं अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 ईयर्स ऑफ फैसिलिटेशन एक्सपीरियंस है विद ACCA, ACCA के अलावा CIMA, ICAP और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ मैं एंगेज हूं। नंबर टू, मेरे स्पेशलाइज सब्जेक्ट SBR, AFM और FM है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सर्व कर रहा हूं इस वक्त वो एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हूं प्लाटिनम स्टेटस के साथ, दबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, और मेरा हमेशा एसोसिएशन रहा है प्लाटिनम स्टेटस कॉलेज के साथ सिंस 18 ईयर्स। और इसके अलावा मैं फाउंडर हूं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट्स कॉल्ड हुसैन काजी .com। फर्दर ये क्योंकि मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन हूं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर 2005 to 2010 मैं KPMG के साथ एसोसिएट रहा हूं। लास्टली मैं एग्जिट हुआ हूं एज असिस्टेंट मैनेजर 2010 में, और उसके बाद मैंने और कुछ पार्टनर्स के साथ मिलके एक कंपनी हमने स्टाब्लिश की जिसका नाम HRS नेटवर्क है, जो एग्जिस्ट करती है अभी, और मैं एज डायरेक्टर वहां पर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज का हेड हूँ, एज अ डायरेक्टर परफॉर्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 18 ईयर्स 100 ऑफ स्टूडेंट्स गॉट द पोजिशंस, द प्राइज विनर्स, मैंने लिस्ट मेंटेन नहीं की, लेकिन मोर देन 100 जो अलुमनाई है जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, डिफरेंट जगह पे ऑल ओवर द ग्लोबल वो इस वक्त काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ACCA ने नॉट ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स फैसिलिटेशन मुझे इनवाइट किया इन पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, इन बांग्लादेश एज वेल, इंटरनेशनली एंड श्रीलंका एज वेल। मैं इन्वॉल्व हूँ एज अ CBD ट्रेनर भी ACCA के साथ। मैंने जो लीजेस का ट्रांजेक्शन था फ्रॉम IAS 17 टू IFRS 16, उसके अंदर सेशंस कंडक्ट किए एज अ CBD ट्रेनर।
सो ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, आप जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट रहे। सबसे पहला मोटिवेशन, ये लेटेस्ट 5 सेमेस्टर्स के एग्जाम रिजल्ट्स हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन, अ बिगेस्ट मोटिवेशन टू ऑल ऑफ यू पीपल, कि एसबीआर का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 50% चांस कि आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्रेन को मोटिवेट रखें। सिलेबस एक्सटेंसिव है, नो वरीज, हम आपको डायरेक्शन बताएंगे, आप उस डायरेक्शन के थ्रू चलेंगे, इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई। बट डू रिमेंबर, आप जो भी परफॉर्म यहां पे कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ब्राइटर चांस है कि आप पास हो जाएंगे। एवरेज 50% चांसेस हैं कि आप पास हो जाएंगे, बट रिमेनिंग 50% आपने एफर्ट पुट करने। सो वन ऑफ द हाइएस्ट रिजल्ट अमंग ऑल अदर पेपर्स ऑफ द एसीसीए वो एसबीआर और सेम एज इट इज एसबीएल में भी है। हमारा इस कंप्लीट 30 मिनट्स का जो 30 to 40 मिनट्स का जो एजेंडा पॉइंट है, वो जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह से है। हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे, हम सिलेबस इनसाइट्स देखेंगे विद एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस, एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रिपरेशन करें और ये नहीं सोचें कि एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है, तो उसका मतलब हमारे डायरेक्शन राइट वे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट हमें एग्जामिनर को आंसर करना है। हमें अपनी समझ, बस हमने जो अंडरस्टैंड कर लिया और फिर वर्किंग करें, दैट्स नॉट इनफ। सो एसबीआर सिलेबस इनसाइट्स, एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस नंबर वन। नंबर टू, व्हाट्स द एग्जाम फॉर्मेट विद द न्यू चेंजेस, हम इस पे बात करेंगे। स्टडी अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द सक्सेस, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टुवर्ड्स द सक्सेस। रियल चैलेंजेस क्या होंगे ड्यूरिंग द स्टडीज, और आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। रियल चैलेंजेस एंड ओवरकम द चैलेंज, अगर आप ओवरकम करेंगे ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट डू रिमेंबर, आपने घबराना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड एंड कीप मूविंग, दैट्स अ की रूल। क्या जर्नी रहेगा अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। हुसैन काजी के साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं एसबीआर जर्नी पे, तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम वो देखेंगे। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि F3 FR जो आपने पढ़ा है और हम SBR पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की क्या है, हमें कैसे मूव करना है SBR में, तो उस बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन से पता चलेगा। और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के हैं, जो आपके जहनों में होते हैं, हो सकता है आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, सो तो फिर आप को ये आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जो आपके जहनों में स्टैब्लिश होते हैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैंने उस आंसर्स को खुद ही क्वेश्चंस बना के और आंसर करूंगा, तो आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एजेंडा पॉइंट। फर्स्ट एजेंडा पॉइंट, सिलेबस इनसाइट्स। देखिए, मैं सिलेबस इनसाइट से पहले एक बात आपको बताता हूं, बड़े काम की बात है। प्रीवियस स्टडी FR के बाद बेस बना के आप सोच रहे हैं कि मैं SBR पढ़ूंगा, मेक श्योर कि मेरे साथ आप इंगेज रहे हो FR। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं, आपने प्रीवियसली FM भी पढ़ा है, एंड एवरीबॉडी नोज दैट FM का एडवांस नेम, एडवांस सब्जेक्ट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। AA भी पढ़ा है, ऑडिट अश्योरेंस, उसका एडवांस सब्जेक्ट नेम है एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस। TX भी पढ़ा है, उसका एडवांस नेम है एडवांस टैक्सेशन। PM भी स्टडी किया, उसका एडवांस नेम है एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट APM। बट जब FR पढ़ रहे हैं तो उसका एडवांस सब्जेक्ट इट्स नॉट AFR बट SBR, विच मींस दिस सब्जेक्ट इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा भी कुछ चीजें हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो पहला माइंड सेट SBR सिलेबस इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इनसाइड द सिलेबस। सिलेबस फाइव एरियाज हैं स्टूडेंट्स, फाइव एरियाज वन बाय वन। नंबर वन, IFRS तो है ही, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ IFRS।
नंबर टू ये भी है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो मैं पता अच्छी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक IFRS। ये तो है ही, ये दो तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस लीजेस पढ़ा, तो लेसी अकाउंटिंग पढ़ा, यहां पर हम लेस और पढ़ाएंगे, सो एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा। प्रीवियस आपने इंप्लॉय बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, यहां पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो व्हाट एवर यू हैव डन इन F3 FR, एक स्टैंडर्ड अप, ओके एडवांस स्टैंडर्ड। बट थ्री मोर थिंग्स यहां पर ऐड होंगी, जब वो थ्री मोर थिंग्स ऐड होंगे ना तो दैट्स बिकम द सब्जेक्ट कॉल्ड SBR। वो तीन चीजें क्या है, प्लस एथिकल इंप्लीकेशंस, मैं बताऊंगा कैसे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, F7 वाला नहीं, रेशोस समथिंग डिफरेंट, नंबर फाइव करंट डेवलपमेंट, थ्री मोर थिंग्स एथिक्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट करंट डेवलपमेंट। ये तीन अदर पॉइंट्स जब हम ऐड करते हैं ना, देन ये कंबाइन होकर सब्जेक्ट बनता है SBR। सो वंस अगेन वेलकम टू SBR। पहले तो ये अपने माइंड में ड्रिल कर लें, देयर आर फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिलेबस, इनका वेटेज क्या है अभी बात करेंगे। नंबर वन IFRS, नंबर टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, नंबर थ्री एथिकल इंप्लीकेशंस, नंबर फोर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नंबर फाइव करंट डेवलपमेंट्स। दीज आर फाइव सिलेबस एरियाज। नाउ डिटेल इंसाइट्स विद एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं टोटल, अगर नंबर्स काउंट करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कवर करना है आपने, 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट कैसे, फेजेस क्या होंगे? अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फोर फेजेस पे स्प्लिट कर दिया। विद माय कोर्स फोर फेजेस पे स्प्लिट होगा, ग्रुप अकाउंट्स, एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेस एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रायर नॉलेज। अच्छा ग्रुप अकाउंट्स में टोटल सेवन स्टैंडर्ड्स हैं, सेवन स्टैंडर्ड्स विथ सिक्स टॉपिक्स। अभी हम टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, सेवन स्टैंडर्ड्स हैं, IS 27, IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, फिर IS 21 भी ग्रुप अकाउंट से कनेक्ट होता है, फॉरेन सब्सिडी, कैश फ्लो भी कनेक्ट होता है ग्रुप अकाउंट्स, IS 7, फिर IFRS 12। सो सिक्स टॉपिक्स, सेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद ग्रुप अकाउंट्स, नंबर टू। दूसरा सेकंड फेज जो है वो है एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर व्हाट डज दैट मीन एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव का मतलब है ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 7 9, वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निकल, IS 12, ठीक है ना। ये वन और टू जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और टैक्सेशन पहले भी कुछ पढ़ा है लेकिन यहां बहुत एडवांस है। थर्ड फोर्थ इंप्लॉय बेनिफिट शेयर बेस्ड पेमेंट, नेवर स्टडीड बिफोर, यहां पढ़ेंगे। लीजेस प्रीवियस कुछ पढ़ा है यहां ऐड करेंगे। IFRS 15 पहले कुछ पढ़ा है यहां बहुत एडवांस है। ये सिक्स स्टैंडर्ड्स टाइम कंज्यूमिंग। फेज थ्री लेस एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या मतलब? ये जो छह स्टैंडर्ड्स हैं मैं रीड नहीं कर रहा ना, ये कभी स्टडी नहीं किया आपने, एक्सेप्ट IFRS 13 थोड़ा बहुत स्टडी किया, कभी नहीं किया, लेकिन ये मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स में सब कवर कर लेंगे। लेस एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम। नंबर फोर प्रायर नॉलेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रायर नॉलेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रायर नॉलेज मतलब वट एवर यू हैव स्टडीड इन F7, फॉर एग्जाम्पल IS 16, IS 2, IS 37, ऑल दीज स्टैंडर्ड। अच्छा प्रायर का मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी प्रायोरिटी लेस हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, ये याद है ना डायलॉग, मूवी का डायलॉग है शाहरुख खान का, कोई भी स्टैंडर्ड छोटा नहीं होता, हर स्टैंडर्ड की अपनी वर्थ है। ऐसा नहीं है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड है उसी में ज्यादातर सवाल बनेगा, नहीं, ऐसा भी हुआ है IS 38 पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो सब स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे और एड ऑन करेंगे चीजें और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। सो पहला मैटर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टोटल 31 स्टैंडर्ड, फोर फेजेस, ग्रुप अकाउंट्स,
एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड्स, लेस एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड्स एंड प्रायर नॉलेज, ये चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। इस स्टैंडर्ड के बारे में एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, एग्जामिनर आपसे यहां पर एक्सपेक्ट करता है कि आप सिर्फ नंबर्स गेम पे चैंपियन ना हो, बट ऑल्सो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आई 16 का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है रिकग्निशन का, आई 36 का इंपेयरमेंट लॉस का प्रिंसिपल है, और फिर कैश कैलकुलेशन होता है उसका प्रिंसिपल है, तो उन प्रिंसिपल्स को और जो आप नंबर्स काम करते हैं उन नंबर्स की एक्सप्लेनेशन आती हो, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कैलकुलेशंस, दैट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रियल बिजनेस सिनेरियो, ये एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन होगी, ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर टू, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रीवियस भी पढ़ते हैं आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आपको भी पता है मुझे भी पता है आप एफआर तक कैसे पढ़ते हैं। पहली बात तो ये आप सबको पता है कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कहूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के दो प्रोजेक्ट्स हैं, देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, न्यू डेवलपमेंट्स करना, चेंजेस करना, ये सब, और एक एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बहुत सारे यूजेज हैं, उसका एक यूजेज मिसाल फॉर एग्जांपल ये है कि बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम किस तरह से उसको रिपोर्ट करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंस में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, एक्रूड एक्सपेंस, बिटकॉइन मैंने बात की, तो फिर वो कहां से पता चलता है, कैसे रूल्स कहां से पता चलेंगे, वो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये एक यूजेज है, ऐसा बहुत कुछ है। सो आईएसबी के दो प्रोजेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ने, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी पढ़ने। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 2018 में रिवाइज हुआ है, हमें क्या करना है उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो भी नॉलेज है, जो उन्होंने बताइए क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नॉलेज पढ़नी है हमने, और उसकी एप्लीकेशन भी चाहिए। स्टैंडर्ड एग्जामिनर कहते हैं एक्सपर्टीज हो, नॉलेज भी और एप्लीकेशन भी, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये रहा एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है एग्जामिनर डॉक्यूमेंट से। टू पास दिस एग्जाम कैंडिडेट रिक्वायर्ड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैं आपको एक सैंपल शो कर देता हूं यहां, इन डेप्थ एक सैंपल क्वेश्चन है 2018 का, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, रीड करेंगे रिक्वायरमेंट। आउटलाइन द क्राइटेरिया इन आईएएस 38 फॉर द रिकग्निशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एंड डिस्कस वेदर दीज आर कंसिस्टेंट विद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वक्त टेक्निकली कोई बात नहीं करना, सिर्फ आपको रियलाइज कराना है कि आपको स्टडी किस पैटर्न पे करना है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एग्जाम स्कोप इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट, ये देखें इंटीग्रेट हुआ भाई क्वेश्चन से, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नंबर टू है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, नंबर थ्री है एथिक्स विद एसबीआर एग्जाम्स। वैसे एक बात है, एथिक्स फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे, लॉ में भी पढ़ा है, ऑडिट में भी पढ़ा है, ऐसे ही है एथिक्स। एथिक्स के जो ACCA का रूल ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल जो रूल ऑफ रूल अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो सब सेम है, नो चेंज। और फिर वो थ्रेड्स सारे सेल्फ इंटरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स, वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे पूछने का जो एग्जामिनर का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ना, वो जरा अकाउंटिंग बेस्ड होता है, कैसे होता है बात करेंगे लेटर। सो एथिकल प्रिंसिपल इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, नंबर वन, वी मस्ट हैव टू नो ACCA कोड ऑफ एथिक्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है ना। और फिर हमें केस में आइडेंटिफाई करना थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये काम करना है हमें।
हमारी एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए कि हम केस में देखें कि एथिकल क्या थ्रेट्स हैं, आइडेंटिफाई करें, वो थ्रेट्स अफेक्ट कैसे करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। ऐसी बेसिक्स एग्जांपल कहता हूं, लेट सपोज मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, आप जूनियर अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हैं, आपने ऑब्जर्व किया कि भाई हुसैन कादिर साहब ने डेलिबरेटली IS-37 गलत अप्लाई किया, आपने थोड़ा बहुत और देखा तो आपने ऑब्जर्व किया ये हुसैन कादिर साहब के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी है ना वो बोनस पे बेस है, प्रॉफिटेबिलिटी पे। 37 को गलत अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन बनना चाहिए था कम से बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम से बनाया ताकि एक्सपेंस कम हो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो भाई अब इसमें दो बातें हो गई, पहली बात है IS-37 का रॉन्ग प्रिंसिपल, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है पहले अकाउंटिंग को आप जो है ना उसका करेक्शन ऑफ एरर बताएं, एक्सप्लेन करें कि अकाउंटिंग में गलत हुआ, और फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये एथिकल केस बन गया। तो जूनियर अकाउंटेंट पहले तो आप ड्राफ्ट करें पूरा केस, केस में थ्रेड्स क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट अफेक्ट क्या कर रहा है, इंटेग्रिटी ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर, ऑल दीज थिंग्स, और पर एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए जूनियर अकाउंटेंट का, तो ये ऐसे कनेक्ट होगा। ऐसी बेसिक एग्जाम्पल दिए, ये देखो एक ऐसी एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, मैं रीड नहीं कर रहा पूरा क्वेश्चन, लेकिन एक बात है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस इज समथिंग अबाउट रेवेन्यू, रेवेन्यू IFRS 15, ये रहा। लेकिन बी पार्ट है, ये देखो पी पार्ट, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज फॉर फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर बेट्सो, सेटिंग आउट हाउ इश्यूड मे बी रिसॉल्व, और फिर एथिक्स को कैसे डील करने, इसके प्रोफेशनल भी 2 मार्क्स हैं। वंस अगेन मैं कहूंगा एथिक्स का एग्जाम स्कोप इंटीग्रेटेड है, मतलब केस के साथ इंटीग्रेट होगा। तो मैं सिर्फ माइंडसेट करा रहा हूं भाई, एग्जाम कैसे होगा, दिस इज नॉट अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट ओनली अबाउट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इट्स अबाउट ऑल्सो एथिक्स। फिर एक और पॉइंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, पहले तो एक बात बता दूं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में यहां मीनिंग ये नहीं है कि रेशोज एंड इंटरप्रिटेशंस, ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट रेशोज एंड इंटरप्रिटेशन, यहां पर समथिंग अबाउट इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है। क्या मतलब, देखिए मैं आपसे एक बात बता, मैं आपसे एक बात करता हूं, हम आपने जितना भी स्टडी किया ना F3 FR और अभी भी जितना पढ़ रहे हैं, वो सारा पर्सपेक्टिव अकाउंटेंट है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि आप ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई है, तो आप अकाउंटेंट क्या करें, सर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखूंगा और रिकॉर्ड कर दूंगा, तो ये हो गया अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है, ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? वो बनाते हैं यूजर के लिए। यूजर कौन हो सकता है? इन्वेस्टर, जैसे शेयर होल्डर है, या पोटेंशियल शेयर होल्डर, बैंक हो सकता है जो हमारा डेट होल्डर है, या पोटेंशियल डेट होल्डर हो सकता है। तो भाई एक पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटेंट है, लेकिन और वो कैसे, वो सोचता है रिकॉर्डिंग प्रेजेंटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग प्रेजेंटिंग रिपोर्टिंग, लेकिन सामने वाला कौन है? ये जो अंकल बैठे हैं वो है इन्वेस्टर, ये चेयरमैन इन्वेस्टर। क्या इन्वेस्टर चीजों को वैसे देखते हैं जैसे अकाउंटेंट? नेवर। अकाउंटेंट कभी नहीं देखता चीजों को, सॉरी इन्वेस्टर कभी वैसे नहीं देखता चीजों को जैसे अकाउंटेंट देखता है। इन्वेस्टर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है ना, तो वो डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे ये शेयर होल्डर होगा, तो हमने जो भी इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता के रिपोर्ट किया होगा, वो डिसाइड करेगा कि अब इस बेसिस पे मैं शेयर्स को, मिसाल के तौर पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, तो कंटिन्यू करूं या सेल कर दूं, कंटिन्यू करूं या सेल कर दूं। सो ये इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है। सर ये क्यों बता रहे हैं हम? भाई एग्जामिनर कहता है कि सम ऑफ द क्वेश्चन जो मैं प्लांट करूंगा वो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से होगा, और तुमको आंसर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। सो सम ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द परफॉर्मेंस
अबाउट द टॉपिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. सो इन्वेस्टर परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इन्वेस्टर करता क्या है? ये जो इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि भाई जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे बताया गया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, रेवेन्यू है, मैं इसको बेस बनाऊंगा और डिसीजन मेकिंग करूंगा. लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अपने आप से पूछें, अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यूजर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अपने आप से पूछिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनफ है आपके लिए फॉर डिसीजन मेकिंग और फॉर रिपोर्टिंग. आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट ओनली इनफ, ये इनफ नहीं है कि जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट पूरी हो, जिससे मैं डिसीजन मेकिंग कर सकूं. तो उसका मतलब है इन्वेस्टर वॉन्ट्स समथिंग मोर अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो जो इन्वेस्टर और जाता है ना रिपोर्टिंग, वो ये चार हैं: ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट कॉमेंट्री. ये पढ़ेंगे हम इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से. लेकिन मैंने ना होने के बाद अभी बारे में बात की, मैंने बिल्कुल लिमिटेड बात की, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया. लेटर बात करेंगे सिलेबस एरिया. एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन क्या है? ये एग्जामिनर रिपोर्ट है. द एसबीआर एग्जाम विल रिक्वायर कैंडिडेट्स टू अडॉप्ट एक स्टेक होल्डर और इन्वेस्टर फोकस इन आंसरिंग सम क्वेश्चंस. दैट्स अ पॉइंट. ये फोर्थ एरिया है. एंड लास्ट एरिया इज अबाउट करंट डेवलपमेंट. करंट डेवलपमेंट, करंट डेवलपमेंट में तीन चीजें हैं जो कि एग्जामिनर एग्जामिन कर सकता है. डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अबाउट न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अगर कोई न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अपकमिंग है, उसके बारे में हमें बात करनी आनी चाहिए. अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड, नया स्टैंडर्ड आएगा तो उसके इंप्लीकेशंस क्या है, या क्यों न्यू चेंजेस आ रही है एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में तो क्या मैटर है. बाय द वे आईएएस 1 में चेंजेस आ रही हैं, हम उस पर बात करेंगे लेटर. हम उस पर बात करेंगे कि भाई चेंजेस की जरूरत क्या है, क्या डेफिशिएंसीज हैं एग्जिस्टिंग में, और फिर क्या होगा, मतलब नए चेंजेस में क्या होगा. नंबर वन करंट डेवलपमेंट. ये करंट डेवलपमेंट में दूसरी चीज है कि जो रियल बिजनेस वर्ल्ड में न्यू डायनेमिक्स एस्टैब्लिश हो रही है, उसकी वजह से अकाउंटिंग में या रिपोर्टिंग में क्या इफेक्ट होता है. न्यू बिजनेस डेवलपमेंट्स एंड अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल, रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में डिजिटल एसेट आ गए, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस, नेचुरल डिजास्टर्स के मैटर्स हैं, क्लाइमेट चेंज का मैटर है, पेंडेमिक है, इनकी वजह से, या गोइंग कंसर्न कोई इशूज है, इनकी वजह से रिपोर्टिंग में क्या इंपैक्ट हो रहा है, यह मैं पढ़ना. सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ये बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक है जो का अंडर डिस्कशन है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में. क्यों? क्योंकि देखिए, हम सब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो सब इट्स अबाउट पास्ट. पास्ट का मतलब, भाई मुझे एक बात बताएं ना, अगर आप यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मैं अकाउंटेंट हूं, तो मैं आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करके दे रहा हूं वो क्या है, इट्स ऑल अबाउट पास्ट. सर पूरे एक साल में जो हुआ है ये आपके सामने है, इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में अभी तक की रिपोर्टिंग है. लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप एज यूजर, एज इन्वेस्टर, एज बिजनेसमैन चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट मिले जिसमें फ्यूचर के बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पता हो, कि बिजनेस कितना रन होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्या फर्क आएगा, डिजिटल एसेट में या डिजिटलाइजेशन की वजह से इसमें क्या इफेक्ट होगा, समथिंग लाइक दिस. इस रिपोर्टिंग के बारे में कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं. सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ताकि यूजर को हम सेटिस्फाई कर सकें. इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के से हट के कुछ स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, कि स्टैंडर्ड का मतलब है, हाँ, एक स्ट्रक्चर वे पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए. सो दीज आर द करंट डेवलपमेंट्स. याद रखिएगा, जो करंट डेवलपमेंट का एग्जाम स्कोप है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए.
चाहे नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे नई बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हो, इसके अंदर इन डेप्थ नहीं चाहिए, इंटीग्रेट होगा क्वेश्चंस के साथ। एक सिंगल क्वेश्चन का भी एग्जामिन नहीं हो सकता कि करंट डेवलपमेंट में पूरा क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंटीग्रेट होगा। और एग्जामिनर ने बोल दिया है आपको इस टॉपिक की वजह से घबराना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज वी ओनली एग्जामिन द बेसिक प्रिंसिपल्स, नॉट द डिटेल इंसाइट्स। सो एजेंडा नंबर वन इधर कवर किया हमने, फाइव एरियाज ऑफ द सिलेबस विद एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस। नंबर वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नंबर टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, नंबर थ्री एथिक्स एंड इंप्लीकेशंस, अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस, नंबर फोर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, नंबर फाइव करंट डेवलपमेंट्स। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कंप्लीट डायरेक्शन मिलेगी, शर्त यह है एंड तक रुकना है, आपने घबराना नहीं है और जाना भी नहीं है। आ जाए फॉर्मेट क्या एग्जाम का, एग्जाम फॉर्मेट दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर वन 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का ग्रुप अकाउंट्स मेजर रोल प्ले करेगा, 24 25 26 मार्क्स ग्रुप अकाउंट्स के, लेकिन इसके अंदर कभी कभार 4-5 मार्क्स अदर सिलेबस एरियाज भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू 20 मार्क्स का होगा, इसमें अकाउंटिंग एंड एथिकल इश्यूज होंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट दिखाया। सो सेक्शन ए 30+20=50 मार्क्स। सेक्शन बी क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर टू क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स ईच, टोटल अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ नहीं पता कहां से आए, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस एरिया ऑफ एसबीआर, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी यही पूछता है, एथिक्स नहीं पूछेगा सेक्शन बी में, एथिक्स होगा सेक्शन ए में क्वेश्चन टू में। स्टूडेंट्स सक्सेस चाहिए ना, पहले 50 फिर आगे डिस्टिंक्शन भी, तो एक बात सेक्शन ए में सिक्योर कर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है, 50 नंबर स्ट्रक्चर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं ना 50% पासिंग मार्क्स है, ए को कवर करेंगे ऐसे कि 50 मार्क्स सेफ हो जाए, 50 में से 35 40 42 सेफ हो जाए, बी पे खेल करेंगे और फिर डिस्टिंक्शन तक पहुंच जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स हैं, यस, 4 प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, 96 टेक्निकल मार्क्स होंगे, यानी कि एसबीआर में सिर्फ 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। प्रोफेशनल मार्क्स जो 4 हैं उसमें सेक्शन ए क्वेश्चन 2 एथिक्स में हाउ टू डील एथिक्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फ्री मार्क्स हैं, बता दूंगा कैसे डील कैसे करना है केस, फ्री मार्क्स घर से लेके जा सकते हो पॉकेट में रख के, बाकी 2 मार्क्स इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव को डील करना, ये भी आसान बात है। मैं ये समझता हूं पेपर स्टार्ट करने से पहले 4 मार्क्स आपके पॉकेट में है, तो 46 और कैसे गेन करके पहले 50 पे सिक्योर, फिर आगे प्रोसीड कैसे करोगे फिर देख लो। सो दैट इज द पॉइंट, ये हो गया एग्जाम फॉर्मेट। सर चेंजेस तो बताएं, ओ यस चेंजेस, एसबीआर चेंजेस, पहली बात तो ये एसबीआर में जो भी चेंजेस आया ना वो एग्जाम स्ट्रक्चर वो भी क्वेश्चन 1 में आया है, और याद रखें सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन सिलेबस, चेंज ओनली रिलेटेड टू एग्जाम स्ट्रक्चर, नो चेंज सिलेबस कंटेंट, ये बात पहले हो गई। अब चेंजेस क्या है, नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन का फॉर्मेट इट्स गोइंग टू चेंज, बल्कि हैज ऑलरेडी चेंज्ड, ठीक है ना, आउट ऑफ 30 मार्क्स क्वेश्चन नंबर वन 30 मार्क्स का है, 10-14 मार्क्स जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड हो गया है, स्प्रेडशीट रिक्वायरमेंट, आपको प्री पॉपुलेटेड का मतलब प्री फॉर्मेटेड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स मिलेंगे, उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैसे चलो देखते हैं। ये स्लाइड इस वक्त एक एग्जाम पेपर का एक्सट्रैक्ट है, ये देखो लेफ्ट साइड पर यहां पर हाईलाइट हुआ है SBR International
सैंपल एग्जाम्पल एग्जाम 1 सितंबर 23, रिक्वायरमेंट 30 मार्क्स। तो सबसे पहली बात ये वो है, दूसरा जो मैंने हाईलाइट किया है जो चेंज नहीं हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है यूजिंग एग्जिबिट 1 कैलकुलेट गुडविल 3 मार्क्स, ये चेंज नहीं है। एक्सप्लेन हाउ ऑटो कंपनी असेस द गुडविल एंड इंपेयरमेंट कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये भी चेंज नहीं है। फिर एग्जिबिट 2 IFRS 5 के सारे मैटर से 6 मार्क्स, ये भी चेंज नहीं है। यहां आया चेंज, ये देखो ब्लू, ये पढ़ो, यूजिंग एग्जिबिट 3 प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट ऑप्शंस एडजस्ट द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड 31st March एक्सेस, योर आंसर शुड कंसिडर दीज पॉइंट्स, यू शुड शो ऑल वर्किंग ऑन द स्प्रेडशीट। ये देखो ऐसी एक स्प्रेडशीट होगी, दोबारा से ये रही स्प्रेडशीट, ये देखो ऑटो ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑलरेडी मिलेगा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना हुआ, या तो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो प्रिपेयर्ड होगा ऑलरेडी। तुमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करेगा, पॉसिबल रिक्वायरमेंट, या तो इसमें एरर है सही करो बताएगा, या मिसिंग फिगर्स है गुडविल है कैलकुलेट नहीं हुई सही करो, मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई, मिसिंग फिगर को प्लॉट करो। अच्छा करेक्शन होगा, मिसिंग फिगर होगा, और साथ साथ वो कहेगा जो तुमने करेक्शन सही किए या मिसिंग फिगर जो है वो आइडेंटिफाई करके प्लॉट किए उस पर डिस्कशन करो। इसके 10 to 14 मार्क्स दिए उन्होंने। अब मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन का रोल ज्यादा हो गया, तो तकरीबन अगर मैं पूरे पेपर को टोटल करूं तो तकरीबन 80 तक जो है ना वो थ्योरी है और 20 जो है ना कैलकुलेशन है, जिसमें से यहां वाली कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 1 की कैलकुलेशन 14-15 मार्क्स की होगी। तो 75-80 जो है वो थ्योरी होगा, 20-22-23 कैलकुलेशन होगा। और इसमें ये नया चेंज ही आया है सर, न्यू चेंज इसका प्रैक्टिस मटेरियल, आपने घबराना नहीं है और रुकना भी नहीं है। 2 स्पेसिमेन क्वेश्चंस हैं, 2 सैंपल एग्जाम क्वेश्चंस भी आ गए, मॉक एग्जाम भी हैं, बाकी हमें ना यार स्टडी हब में भी बहुत मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चंस बहुत हैं, पढ़ना शुरू करें, क्वेश्चंस बहुत हैं। ये हो गई बात, चलें सर काम की बात, ये बताएं सक्सेस कैसे मिलेगा, SBR फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कैसे करेंगे सर, डू लेट अस नो, ज्यादा बातें नहीं सर। SBR के लिए आपको सबसे पहली बात अप्रोच बनानी पड़ेगी, यानी कि अप्रोच का मतलब है भाई सक्सेस हासिल करना है तो प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना, कुछ एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना सर, एक्शंस बताएं, व्हाट आर द एक्शन पॉइंट्स भाई, जो प्रिपरेशन करें 5 सिलेबस एरिया का 3 बातें याद रखें मेरी। नंबर 1 बैलेंस अप्रोच, ये मैं नहीं कह रहा एग्जामिनर कह रहा है, बैलेंस अप्रोच। नंबर 2 ड्राफ्टिंग एबिलिटी। नंबर 3 इन्वेस्टर परस्पेक्टिव, ये तीनों चीजें साथ लेके चलें, कामयाबी आपको मुकद्दर होगी, आई कैन अश्योर यू। सर क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ, बैलेंस अप्रोच पढ़ना शुरू करना है ना, अज्यूम करें आपके पास टोटल 10 वीक्स हैं, हर हफ्ते में फॉर एग्जांपल 20 वीक्स हैं, 200 आवर्स है आपके पास, पढ़ेंगे आप 200 आवर्स, मेरी वीडियोस देखेंगे फॉर एग्जांपल, या किसी की भी वीडियोस देखेंगे, असाइनमेंट करेंगे, स्टडी करेंगे 200 आवर्स, ठीक है। तो बैलेंस अप्रोच बनाएं, बैलेंस अप्रोच क्या है, यानी कि एक्शन पॉइंट 1 भाई 5 सिलेबस एरियाज है ना, सिलेबस एरिया को कवर करें अकॉर्डिंग टू एग्जाम वेटेज, भाई बेस्ड ऑन पास एनालिसिस, ये पूरा एनालिसिस है मेरा, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरा एनालिसिस है पूरा जो आपको मैंने शेयर कर दिया ऐसे कि अगर आप पास पेपर को देखें तो 55-60% टाइम IFRS का, मतलब 55-60% IFRS पूछता है, 8-10% कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछता है, 7-10% एथिक्स पूछता है, 8-12% इन्वेस्टर परस्पेक्टिव पूछता है, 10-12% करंट डेवलपमेंट पूछता है। अब आप लोग पढ़ते ही क्या करते हैं, गलती मिस्टेक क्या करते हैं, आप अपना 90% टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं IFRS पे, रेस्ट 4 सिलेबस एरियाज आप सिर्फ 10% टाइम में जल्दी जल्दी में करते हैं, पेपर में पहुंचते हैं बाउंस बैक, ये क्या हुआ। ओ भाई आप अगर 200
10 वीक्स में 20 आवर्स ईच वीक कर रहे हैं, 200 आवर्स हैं। 200 आवर्स को पहले प्रिपरेशन, दूसरा रिवीजन, ऐसे स्प्लिट करें इस तरह से कि मुझे 60% टाइम इन्वेस्ट करना IFRS में, 10% 8 to 10% कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, 7% एथिक्स पे, 8% परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, 10 to 12 करंट डेवलपमेंट। ये है बैलेंस अप्रोच, एग्जामिनर कहता है। बेवकूफी ना करें लोग, तो भाई 95-96% टाइम लगाते हैं किसमें, अकाउंटिंग एग्जामिनर। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। नंबर वन बैलेंस अप्रोच, नंबर टू ड्राफ्टिंग एबिलिटी। द एबिलिटी टू एक्सप्लेन योर वर्किंग इज एसेंशियल, दैट इज रिक्वायर्ड इन वर्क प्लेस, एंड फॉर दैट रीजन एग्जामिनर टीम हैज टेकन दिस अप्रोच। ये मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है। जो का SBR के अंदर ड्राफ्ट करें आंसर्स को और मैच करें। हम तो असाइनमेंट बेस्ड काम करते हैं भाई, असाइनमेंट सबमिट करेंगे, चेक करके देंगे। हम 3 मॉक्स वर्कआउट करते हैं, एक मिड मॉक, 2 एंड में मॉक, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट का पासिंग रेशो हमेशा ग्लोबल से अबव है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, एग्जामिनर चाहते हैं कि अगर आप को एक केस दिया गया है, या आप एक अकाउंटेंट हैं, एक अकाउंटेंट है और एक ट्रांजेक्शन है, तो आपसे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे ये बंदा खड़े होकर क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। वो एक्सपेक्ट करते हैं रिपोर्ट, आपकी एबिलिटी हो कि आप प्रेजेंट कर सके, और प्रेजेंट उनको कर सके जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज ना हो। तो तहजीब क्या है किसी को बताने के बारे में, आप तहजीब ये होगी ना, सीक्वेंस या स्ट्रक्चर ये होगा कि देखिए ये ट्रांजेक्शन में प्रिंसिपल ये कहता है, प्रिंसिपल का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या कोई और सिलेबस एरिया आप बताएंगे, ये प्रिंसिपल है और हमारा ये केस है, तो केस के को कनेक्ट करें प्रिंसिपल से, तो ये होना चाहिए। ये एग्जामिनर ऐसे एक्सपेक्ट करता है। अब एग्जाम में तुम खड़ोगे ऐसे तो बात नहीं कर सकते ना, तो एग्जामिनर कहता है भाई आप क्या करें, आप रिपोर्ट करें, मतलब लिख के ना हमें क्या आप रिपोर्टिंग ऐसे करें। तो पहली चीज बैलेंस अप्रोच, दूसरा एबिलिटी टू एक्सप्लेन आंसर, थर्ड एबिलिटी टू एक्सप्लेन योर कंसेप्ट एंड वर्किंग्स, थर्ड एक्शन पॉइंट इन द एग्जाम, एग्जामिनर रिक्वायर्स एक्सपर्टीज फ्रॉम कैंडिडेट्स, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटेंट प्रिपेयरर ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स, बट ऑल्सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। समटाइम्स आपको 8 से 10 नंबर बात करनी है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं ये क्या लिखा है, जोर से पढ़े, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा क्या समझते हैं इसके बारे में, अकाउंटिंग समझते हैं ना, हाँ सर IAS 40, हाउ टू रिकॉर्ड और रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन बाय IAS 40, सबको पता है। कॉस्ट मॉडल जस्ट लाइक IAS 16, फेयर वैल्यू मॉडल, रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं, अपडेटेड होता है, ठीक है, डन हो गया। ये अकाउंटिंग पर, ये अकाउंटेंट परस्पेक्टिव है। लेकिन आप सोचें कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल पे अगर मैं रिपोर्ट करूंगा 2-3 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ, तो इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फेयर मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल पे करूंगा तो इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होगा मेरी कंपनी या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 2-3-4 साल तक कंसिस्टेंट कॉस्ट मॉडल से करूंगा, तो IAS 16 का स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, कंसिस्टेंट होगा डेप्रिसिएशन, यानी कि इन्वेस्टर कहेगा हाँ यार कंसिस्टेंट एक एक्सपेंस आ रहा है। SFP में बैलेंस शीट में एक कॉन्स्टेंट मैनर पर रिड्यूस हो रही होगी एक एसेट की वैल्यू, तो इसका मतलब है कॉस्ट मॉडल जो है ना एक बड़ा ऐसा मॉडल है जो बहुत कंसिस्टेंट चल रहा होता है, स्मूथ होता है, अनसर्टेन नहीं होता, कभी इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन अगर ये कॉस्ट मॉडल है कंसिस्टेंट एंड स्मूथ सर्टेन, लेकिन जब फेयर वैल्यू मॉडल है, हाँ ये अपडेटेड है, ईच रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे होगा, अपडेटेड है, मैं मानता हूं एवरीबडी नोज दैट। लेकिन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से सोचो, एक ईयर एंड पे फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर और डिक्रीज हो गई, फिर अचानक से शूट कर गई फेयर वैल्यू, पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो गई और कुछ ऐसे चीजें
इनकॉर्पोरेट हो गई इकोनॉमी के अंदर, शूट कर गया रियल एस्टेट, तो उसका मतलब है फेयर वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है और कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट भी कॉन्स्टेंट मैनर पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, ना इनकम स्टेटमेंट ना बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है मोस्ट अपडेटेड है लेकिन बट कंसिस्टेंट नहीं है। हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर क्या होगा, ऐसे सोचना है। तो तीन बातें लेके साथ चलो, अकाउंटेंट बन के चलो ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन उसका ड्राफ्टिंग करो, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव को भी समझो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्राफ्ट करो और बैलेंस अप्रोच चलो, एथिक्स को भी ऑन बोर्ड करो, बाकी सारे मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एथिक्स भी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी, करंट डेवलपमेंट भी साथ लेके चलो। सो दैट्स अ पॉइंट। बस हम अब आखिर की तरफ जा रहे हैं, आपने फोकस रहना है यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं अगला चैलेंज क्या है। आपका माइंडसेट हो गया अच्छा ये एसबी आ रहा है, लेकिन अब जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अगले 7-8 हफ्ते में, 10 हफ्ते में मुझे चैलेंजेस क्या होंगे, मैं आपको बताता हूं क्या चैलेंजेस फेस करेंगे आप। नंबर वन, एसबीआर बहुत एक्सटेंसिव है, तो चैलेंज आता है कि कवरेज ऑफ 100% सिलेबस, फिर रिविजन भी करना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस है उतना इंपॉर्टेंट रिविजन भी है, कवरेज कैसे होगा। फिर मुझे सिलेबस कवरेज के साथ एग्जाम का ड्राफ्टिंग भी करना है, मुझे टाइम मैनेजमेंट भी करनी है क्योंकि मुझे पूरा पेपर करना है एग्जाम में, मुझे सीवी प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करनी है, ये आएगा चैलेंज। सर इसको ओवरकम कैसे करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे ओवरकम करेंगे। पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे साथ रहोगे डिसिप्लिन खुद ही कर देंगे हम तुम्हारा, ठीक है, हम तो भाई फोन करके पूछते हैं काम क्यों नहीं कर रहे, सीधी बात है। नंबर वन सिलेबस कवरेज प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जो दोनों काम है ना सिलेबस और ये एग्जाम प्रैक्टिस, ये साइमल्टेनियस होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है पहले मैं सिलेबस कवर करूंगा फिर एग्जाम क्वेश्चन, भाई 3 महीने का 6 मंथ्स में भी नहीं दे सकते, दोनों काम साइमल्टेनियस होना चाहिए। नंबर वन सिलेबस का एक या फेस, कुछ फेस करो कवर, एग्जाम क्वेश्चन लेके आओ, हम तो ग्रेड बना के दे देते हैं उसके अकॉर्डिंगली करो। नंबर टू एग्जाम सिमुलेशन, एक होता है प्रैक्टिस एक होता है सिमुलेशन, हमने स्टूडेंट को कहा कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन 22 का अटेम्प्ट करें, हमने स्टूडेंट को ये बोल दिया सबसे पहली बात जब 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना डोर लॉक कर देंगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, सीबी फॉर्मेट ओपन करेंगे और 25 मार्क्स का टाइमर लॉक करेंगे, टाइमर लॉक करेंगे 25 मार्क्स का क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपने करना है 45 मिनट्स में जहां सीबी फॉर्मेट में आंसर पूरा हो जाए, जितना हो जाए ना 25 में 18-19 वहां स्टॉप कर दें, वहां लिख दें मैंने यहां तक किया, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करें और मुझे भेज दें, फिर हम आपको बताएंगे आपने करना क्या। मार्क माई वर्ड, अगर आपने ऐसे 10 से 12 सवाल कर लिए ना, इसको कहते हैं एग्जाम सिमुलेशन, प्रैक्टिस नहीं है ये। क्या क्या चीजें एग्जाम सिमुलेशन में, स्विच ऑफ मोबाइल, शट डाउन द डोर, अज्यूम यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, ओपन द सिस्टम, सीबी फॉर्मेट, लॉक द टाइमर, फिर करेंगे। 10 से 12 सवाल आपने कर लिए ना, फील द डिफरेंस, आप डिफरेंस फील करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दिएगा बेहतरी हुई या नहीं हुई, ये है रियल चैलेंज और उसका सलूशन, एग्जाम सक्सेस मिलेगा आप, ठीक है ना भाई। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि जब तक कि उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं किया जाए ना वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। असाइनमेंट मॉक्स कंपलसरी है, ठीक है, ये होना चाहिए लास्ट, आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए फिर आप एग्जाम में बैठे, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। दोबारा से बात कर रहा हूं, एसबीआर का मोटिवेशन लेवल ये है कि इसका पासिंग रेट बहुत अच्छा है, आपको बस डायरेक्शन जो मैंने बताई है ना आप उस पर चले आप पास हो जाएंगे, 50% पासिंग रेट एवरेज यार बहुत अच्छा है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग होगा आई होप, आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय नहीं कर रहे तो भाई आप मजबूरी तो है ना। चलो सबसे पहली बात प्रैक्टिस, ये ही आई नेवर सजेस्ट माई कोर्स कि आप कोई रिविजन कर बाय करें, क्योंकि मेरे नोट्स के अंदर दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत हैं, मैं ये कहता हूं ये आपका रिविजन कट है, क्या मतलब ये पास पेपर, ये जितने पास पेपर है ना ये रिविजन कट है, यानी कि
मार्च जून 23 के सीबी फॉर्मेट से लेकर मार्च जून 19 तक के पेपर नंबर वन, ये 14 पेपर्स तो ये हो गए, दो स्पेसिमिन पेपर हैं ठीक है, और एक मॉक एग्जाम, 17 एग्जाम क्वेश्चंस, ओ सो एग्जाम पेपर 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 68 क्वेश्चंस, इट्स मोर देन इनफ, यही रिवीजन करना है। आई नेवर सजेस्ट एनी रिविजन कट, लाइक नो कैपलान नो बीबीपी, ये रिविजन कट है, ये सीबी फॉर्मेट पे क्वेश्चन अवेलेबल है, अटेम्प्ट करो, दैट्स ऑल। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वो हमारे प्रैक्टिस बैंक में, मेरे साथ कोर्स कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं आपको बता देता हूँ, वीडियोज होंगी सबकी होती हैं, जिसमें कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ठीक है ना, कंसेप्ट बिल्डिंग अलग चल रहा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग होंगे, 100% कोर्स नोट्स हैं, बुक की कोई जरूरत नहीं होगी, सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे, एक होता है मॉडल आंसर एसीसी का, वो आपको समझ ही नहीं आता, हमारी तरफ से हर टॉपिक पे आपको सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे ठीक है, जो एग्जाम स्टूडेंट कैलिबर होंगे, स्टूडेंट स्टैंडर्ड होंगे, इजी टू स्टडी एस्पेक्ट पे बनाए गए, वीकली मीटिंग्स होंगी, सैटरडे 5 PM लॉक करते हैं मेरे साथ, असाइनमेंट फीडबैक सिस्टम होगा थ्रू द ईमेल ठीक है ना, असाइनमेंट भी होगा मॉक्स भी होंगे, आप मेरे साथ एंगेज होंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको क्या मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे 100% नॉलेज ऑफ द सिलेबस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स हम आपको बताएंगे कैसे ड्राफ्ट करना है आपने, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि हुसैन गाजी ड्राफ्टिंग टेक्निक में कितना टाइम लगाते हैं, स्मार्ट टेक्निक्स आप यूट्यूब चैनल ओपन कर ले मेरा, आपको पता चल जाएगा एग्जाम टेक्निक पे मैं कितना काम करता हूँ ठीक है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, और एग्जामिनर रिपोर्ट एनालिसिस, मैं हमेशा जब भी एग्जाम टेक्निक पे बात करता हूँ ये जितना कुछ है आपके सामने प्रीवियस स्लाइड, ये सब रिपोर्ट एनालिसिस है इस बेसिस पे, नाउ इट्स टाइम फॉर अ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब हम अपने सेशन के अंदर एक बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते हैं ठीक है, सो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन इस बेसिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे माइंड में ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो यार इस वक्त तुम FRF 7 के माइंडसेट पे हो ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू ना तुम अपना माइंडसेट अब ट्रांसफॉर्म कर दो, चेंज कर दो FR से SBR में, तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तुम्हारे माइंड की FR to SBR ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ठीक है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है FR स्टैंडर्ड का, मतलब FR कैलिबर का, 31 दिसंबर X1 यानी एक रिपोर्टिंग डेट है, एंटिटी नोटिस दैट वन ऑफ इट्स आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी इज ऑफन लेफ्ट आइडल, अच्छा जैसे ही ये पॉइंट आया कि एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या एक प्लांट मशीनरी आइडल है, आपके जहन में एक बात आ गई, हाँ यार इंपेयरमेंट इंडिकेशन, दिस इज समथिंग अबाउट इंपेयरमेंट इंडिकेशन, सो ऑन दिस डेट एसेट एट अ कैरिंग अमाउंट, अब स्टार्ट हो गया आपका माइंड यार इंपेयरमेंट इंडिकेशन है तो टेस्ट करना चाहिए, कैरिंग अमाउंट 500,000 है, अच्छा उसका फेयर वैल्यू 325,000 है, कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ 25,000 है, यानी कि अब हमें इंपेयरमेंट इंडिकेशन पे इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए क्या, इफ इंपेयरमेंट टेस्ट कैरिंग अमाउंट इज हायर देन रिकवरेबल अमाउंट तो फिर इंपेयरमेंट लॉस होगा, तो हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, इफ और क्या है, इफ एसेट इज नॉट सोल्ड एंटिटी एस्टिमेट दैट इट वुड जनरेट कैश इनफ्लोस ऑफ द टोटल ऑफ 347,000 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स बाय नेक्स्ट 2 ईयर्स, अच्छा ये कुछ वैल्यू न्यूज की बातें आ गई ठीक है ना, रिक्वायरमेंट है लाइक F7 के आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करनी है ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर X1, नंबर टू और ये बताना है हाउ वुड द आंसर ए बी डिफरेंट इफ देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन ओसीई दैट इज प्रायर रिवैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफिक एसेट, ये दूसरी बात हो गई, थर्ड अब ये फर्स्ट टू जो पॉइंट है ना ये है F7 लेकिन ये जो है ना ये आ गया कुछ SBR, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर X1, तो पहले तो F7 ना, अच्छा F7 में तुमने क्या पढ़ा है कि सर देखिए पार्ट ए इसमें बहुत सिंपल बात है सर, देखिए 31 दिसंबर X1 में पहले हम पुट करेंगे कैरिंग अमाउंट 500,000 है, बड़ा सिंपल, रिकवरेबल अमाउंट हम लेंगे हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल,
So 325,000 minus 25, 300,000 fair value less cost to sell, वैल्यू न्यूज 347,000। इनमें से जो हायर है वो पिक कर लिया 347,000। सो कैरिंग अमाउंट 500,000 है, वैल्यू न्यूज 347,000 है। तो इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट मींस एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज लोअर, सो इंपेयरमेंट लॉस होना चाहिए 153,000। ओके, सो लॉस आइडेंटिफाई हो गया। सो एसेट रिपोर्ट 153, एसेट की जो रिपोर्टिंग है उसमें 150,000 रिड्यूस करेंगे हम और ये एंट्री बनाएंगे 153,000 कैरिंग अमाउंट क्रेडिट नॉन करंट एसेट और लॉस पूरा पीएनएल में चार्ज कर दिया 153,000। और हमने ये एक्सट्रैक्ट बना दिया, इनकम स्टेटमेंट में इंपेयरमेंट लॉस आ गया 153,000 और कैरिंग अमाउंट हो गया 500 माइनस 153,000, 153,347, ये हो गया पार्ट ए। अच्छा पार्ट बी में क्या फरमाया भाई हमने? पार्ट बी में हमने बोला आपको हाउ वुड द आंसर बी डिफरेंट और पार्ट ए बी डिफरेंट पार्ट इफ देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 10,000 ऑफ प्रायर रिवैल्यूएशन। तो सर देखिए इसमें तो कोई मसले की बात नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस तो आएगा 153,000, लेकिन इस लॉस में 10,000 जो है ना ये इक्विटी रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होगा, ठीक है ना, बाकी बैलेंस पीएनएल में चार्ज कर देंगे। एसेट तो क्रेडिट होगा सेम 153,000। एक्सट्रैक्ट बनाएंगे सर तो इनकम स्टेटमेंट में 143,000 जाएगा पीएनएल में चार्ज और बैलेंस शीट तो वही वैल्यू आएगी 347, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व हम एडजस्ट कर देंगे 10,000 से। यार ये सब तुम कर चुके हो कहां पर? ये सब तुम कर चुके हो कहां पर? F7 के अंदर, ठीक है ना। लेकिन और ये कहला रहे हैं दैट इज व्हाट अबाउट F7 स्टैंडर्ड, सॉरी F7 स्टैंडर्ड आंसर है ये जो F7 में तुम करते रहे। लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर यहां कैसे पूछेगा? तुम्हारा एग्जामिनर यहां पर ऐसे पूछेगा दोस्त, ये देखो डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लिखेगा डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर एक्स मंथ। सो फ्रॉम द डे वन गलत फहमी में ना रहे कि वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट ही बनाएंगे, यहां डिस्कशन होगा और आप डिस्कशन ऐसे स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 36 नॉन करंट एसेट मस्ट नॉट बी रिपोर्टेड मोर देन वैल्यू ऑफ इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ये है IAS 36 का प्रिंसिपल, अपनी वर्डिंग्स पे प्रिंसिपल को मेंशन करेंगे, ये हो गई नॉलेज अपनी वर्डिंग्स में, नॉट कंपल्सरी स्टैंड कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड का वर्डिंग अपनी वर्डिंग्स में। नंबर टू, अब अप्लाई करेंगे नॉलेज इन केस ऑफ इंपेयरमेंट इंडिकेशन, हेयर द केस अबाउट आइडल मशीन। तो जैसी केस अबाउट आइडल मशीन यहां मेंशन किया, ये हो गया एप्लीकेशन। द एंटिटी नीड टू मेक इंपेयरमेंट टेस्ट कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट विद रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट आपने लिख दिया हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर आपने अपनी वर्किंग को एक्सप्लेन किया कि रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 325 माइनस 25 एंड वैल्यू इन यूज 347,000। ये आपने अपनी कैलकुलेशन को शो किया, छोड़ दें इस वर्किंग वन को, ये छोड़ दें। और फिर आप कहेंगे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट एंड एसेट शुड बी रिपोर्टेड बाय 347,000 एंड एसेट मस्ट बी रिटन डाउन वैल्यू 153,000। ये तीसरी चीज हो गई जो वर्किंग की उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम पार्ट बी, इंपेयरमेंट लॉस 10,000 वुड बी एडजस्टेड टू ओसीआई एंड रिमेनिंग 143,000 वुड बी चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट। खवातीन हजरात, ये आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाया गया है ये है F7 कैलिबर आंसर, सॉरी SBR स्टैंडर्ड आंसर। सो मेक इट वेरी मच क्लियर, मेक इट वेरी मच क्लियर, आपका रोल कम्युनिकेशन का होना चाहिए लाइक दिस पर्सन।
तहजीब के साथ ड्राफ्ट करें। कैसे? पहले बताएं ऑडियंस को नॉलेज क्या होती है, कि जो हम यहां कर रहे हैं उसके बारे में स्टैंडर्ड ही कहता है। फिर हमारे केस में ऐसे अप्लाई होगा, और फिर नंबर्स को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, ये रहा F7 और ये रहा SBR। सो वंस अगेन वेलकम टू SBR। आई होप इस एग्जाम्पल से आपका माइंडसेट शिफ्ट हो गया होगा फ्रॉम FR टू SBR। वंस अगेन वेलकम टू SBR। भाई इस तरह से लेके चलो SBR को। डे वन 50% के पासिंग के अंदर आओ। जो दूसरे लोग होते हैं जो पास नहीं होते, वो आखिरी 10 दिन पे इस पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। कंक्लूड कर रहा हूं सेशन। आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स। सर, कौन सा स्टडी टेक्स रिक्वायर्ड होगा? आप मेरे साथ चलेंगे, कोई स्टडी टेक्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको 100% सिलेबस नोट्स मिलेगा, नो स्टडी टेक्स रिक्वायर्ड। सर, रिवीजन किट क्या रिक्वायर्ड होगी फॉर SBR प्रिपरेशन? आप मेरे साथ चलेंगे, कोई रिवीजन किट रिक्वायर्ड नहीं होगी। मेरे नोट्स और मेरे प्रैक्टिस मटेरियल में पुराने पेपर्स होंगे, और हम नए पेपर जो मैंने आपको प्रीवियस शीट में दिखाया उसको अटेम्प्ट करेंगे। सर, कौन से टेक्निकल आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है? सारे टेक्निकल आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कौन से टेक्निकल आर्टिकल्स रेलिवेंट है। 6 to 7 टेक्निकल आर्टिकल्स रेलिवेंट है सर। हाउ टू एक्सेस लेक्चर्स एंड टिल व्हेन द लेक्चर्स विल बी अवेलेबल? LMS के थ्रू होंगे और एक्सेस मिलेगा एग्जाम डेट तक। हम सबमिट कैसे करेंगे असाइनमेंट्स? यू नीड टू सबमिट असाइनमेंट थ्रू एन ईमेल एड्रेस sbrbyhuseinkazi@gmail.com। आप इसके थ्रू सबमिट करेंगे। हाउ द लाइव सेशन विल कंडक्ट एंड वॉट आर द टाइमिंग्स? एवरी सैटरडे स्केड्यूल लॉक कर दो 5 PM। ऑब्जेक्टिव क्या होगा लाइव सेशन का? हम मिलेंगे, बातें करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपकी क्यूरीज क्या है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, और छोटे मोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। वॉट आर द की वेरिएबल्स टू गेट सक्सेस ऑफ द SBR एग्जाम? वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट, मॉक सबमिशन, मोटिवेशंस, और जो भी मैंने यहां पे बताया। कितना थ्योरी, कितना कैलकुलेशन है? क्वेश्चन नंबर वन के स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद तकरीबन 20-23% जो है वो कैलकुलेशन है, बाकी 77-80%, 82% जो है वो थ्योरी होगा। आखिर में बस मैं ये कहूंगा, ये कोई फोटोशॉप से एडजस्ट हुई तस्वीरें नहीं है। अगर ये लोग साइकिल और टेनिस खेल सकते हैं, तो हम तो SBR आराम से पास कर सकते हैं। लेट स्टार्ट द जर्नी विद SBR। आपको किसी किस्म का मुझसे कोई कॉन्टैक्ट हो या कोई बात हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 00923218271784। नंबर टू, यूट्यूब चैनल मेरा हुसैन गाजी के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें कि अपडेट्स आपको वहां पे मिलेंगी। फेसबुक से भी huseingazi.com से आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह खैर। आई होप कि आपको पूरी डायरेक्शन मिली होगी। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।